हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई बॉलीवुड को आखिर क्या हो गया। इस बार ईद में आपके पैसे वेस्ट होने वाले, क्योंकि एक तरफ हीरो पंटी टू, साला टाइगर श्रॉफ कब सुधरेगा समझ के बाहर है। टाइगर श्रॉफ को ऐसा लगता है कि पब्लिक उसके डांस और उसके वो एरोबेटिक्स, उसके वो सर्कस देखना पसंद करती है। भाई पहली मूवी में देखे मजा आया, दूसरी मूवी में देखे मजा आया, तीसरी मूवी में देखे मजा आया, चौथी मूवी से ऐसा लगा कि भाई तुम अब फोर्सफुली हमको वो दिखा रहे हो, बार बार वही सारे एक्शन, वही सारी चीजें। भाई कुछ तो दूसरा कर, कि तुझे भी करने में मजा है, हमको भी देखने में मजा है। और अहमद खान भाई, वो एक अच्छा डांसर, मुझे लगता है वो अच्छा डांसर भी नहीं है, इसीलिए उसको कोरियोग्राफी नहीं मिलती, तो वो अपनी दोस्ती अच्छी खासी बना लिया फिल्म इंडस्ट्री में, तो अब जाके उसको डायरेक्शन मिल रहा है। और एक से बढ़कर एक वाहियात पिक्चर बनाता है अहमद खान, तो उसको सबसे पहली बात तो डायरेक्टर कौन लेता है ये मुझे समझ में नहीं आता यार। टाइगर श्रॉफ के करियर के अच्छे खासे एल लगा रहा है। हीरो पंटी टू के ट्रेलर का मैंने रिव्यू इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बार बार किसी को क्रिटिसाइज करना भी अच्छा नहीं है, तो उसको तो चलो साइड में रखो। लेकिन आज रनवे 34 का जब ट्रेलर देखा, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि यार अजय देवगन जैसा ए लिस्ट एक्टर, यार वो क्यों कोशिश नहीं करता कि भाई पैन इंडिया लेवल की मूवी बनाए। और सिर्फ अजय देवगन ही नहीं है, अक्षय कुमार, सलमान खान, ये सब के सब ऐसी मूवी बना जो इनकी मूवीज कई सालों से हम लोग देखते आ रहे हैं। मतलब ये लोग कुछ भी मेहनत नहीं कर रहे, कुछ भी अलग हटके कर ही नहीं रहे। दूसरी तरफ RRR, KGF चैप्टर 2, पुष्पा, और अभी तेलुगु नेचुरल स्टार नानी की आने वाली फिल्म दशहरा एक फर्स्ट ग्लिम्स आई थी। तो देखो साउथ एक तरफ एक से बढ़कर एक पैन लेवल की मूवी बना रहा है, बॉलीवुड आज भी वही चूतिया पा वाली मूवीज बना रहा है। और रनवे 34 के लिए तो एक ही चीज बोलूंगा कि इस तरह की मूवी हॉलीवुड वाले कई सालों से बना रहे हैं। और पिछले कुछ सालों में दो ऐसी मूवी रिलीज हुई थी, फ्लाइट जो कि 2012 में आई थी जिसमें डेंजल वॉशिंगटन अभी नजर आए थे, और एक मूवी आई थी 2016 में जिसमें टॉम हैंक्स नजर आए थे जिसका नाम था सुली मिरेकल ऑन द हडसन। और दोनों ही मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने मिल जाएगी। दोनों मूवी जाके देखो, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आप लोग रनवे 34 का ट्रेलर देखना, आपको काफी चीजें इंस्पायर नजर आएगी। हालांकि मेकर्स ने इसे ट्रू इवेंट्स पे इंस्पायर बताया रनवे 34 को, यस उनका कहना भी सही है। और वो कौन सा ट्रू इवेंट्स, तो मैं आपको बता दूं कि 2015 में दोहा से कोची जाने वाली फ्लाइट मौसम में खराबी की वजह से कोची एयरपोर्ट पर लैंड नहीं हो पा रही थी क्योंकि विजिबिलिटी नहीं थी, लेकिन फ्यूल खत्म होने की वजह से मजबूरन पायलट को लैंड करना पड़ा। अब उसके बाद क्या कुछ हुआ वो हमें जानने के लिए मूवी देखनी पड़ेगी। लेकिन मेकर्स ने यहाँ पर सरासर झूठ बोला है, उन्होंने सिर्फ एक ही इंसिडेंट के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने ये चीज नहीं बताई कि इनके राइटर्स को इंस्पिरेशन मिली है फ्लाइट मूवी और सुली मूवी से। अजय देवगन सर और बाकी जो ए लिस्ट एक्टर, उनको मैं एक ही चीज बोलूंगा कि ऑडियंस जब 150, 200, 300 की टिकट ले रही, तो उनको ऐसी चीज दो जो उनको देखने में मजा है। ये वही सारे घिसे पिसे माल को थोड़ी बहुत नई पैकेजिंग में आपको दे देते हैं। खैर ऐसा भी नहीं कि ट्रेलर पूरी तरह खराब है। अजय देवगन को हम लोग एक पायलट के रोल में देख रहे हैं, अच्छा लग रहा, क्योंकि इससे पहले बस वो पुलिस का रोल करके दिमाग की पूरी तरह से बजा दिए थे, लेकिन अब फाइनल वो एक पायलट का रोल प्ले कर रहे हैं और अच्छे भी लग रहे हैं। लेकिन मूवी में मुझे कुछ भी यूनिक नहीं लग रहा। हालांकि आप लोग में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको ये ट्रेलर अच्छा भी लगा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। लेकिन मैं इतनी हॉलीवुड मूवीज देखो या इस तरह की मूवीज देख चुका, तो मुझे इसमें कुछ भी नया अपन नजर नहीं आया, सॉरी भाई। और हाँ, अर्जुन रामपाल ने 2019 में वेब सीरीज में वो नजर आए थे द फाइनल कॉल, वो भी काफी इंटरेस्टिंग थी, और उसका भी क्या था, वो पायलट खुदकुशी करना चाहता, तो वो भी वेब सीरीज बहुत अच्छी। तो आप लोग चाहो तो इस पर्टिकुलर मूवी से पहले वो वेब सीरीज भी देख सकते हो। ये पर्टिकुलर मूवी एक ही रीजन से चल सकती है, वो है इसकी राइटिंग। अगर इसमें वो थ्रिलिंग मूवमेंट नहीं हुए जो ऑडियंस को एज ऑफ द सीट रखे, तो ये मूवी, चाहे इसमें अजय देवगन हो, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो या अमिताभ बच्चन हो, ये मूवी नहीं चलेगी अगर इसमें वो थ्रिलिंग मूवमेंट नहीं होगा तो। क्योंकि ये मूवी में जो जो इवेंट्स बताया उसमें थ्रिल होना बहुत जरूरी है। अब वो थ्रिल आता है या नहीं आता है वो तो भाई वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो भाई फिंगर्स क्रॉस करेंगे और वेट करेंगे इस पर्टिकुलर मूवी के रिलीज होने का। मेरे ख्याल से तो ये ट्रेलर एवरेज ही लगा मुझे। बाकी आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में आपका क्या ओपिनियन इस पर्टिकुलर मूवी को लेकर, और क्या आपने फ्लाइट और सुली मूवी देखी है या नहीं, और आपने देखी तो आपको क्या लगता है कि ये मूवी किससे इंस्पायर है। मेरे ख्याल से तो ये फ्लाइट मूवी से इंस्पायर है, क्योंकि डेंजल वॉशिंगटन का कैरेक्टर और अजय देवगन का इस पर्टिकुलर मूवी का कैरेक्टर काफी हद तक सिमिलर लग रहा है। और एंड में अल्कोहलिक और कोकीन वाली बात अगर आ गई इसमें भी, तो फिर तो क्या ही कहने। तो यार बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।